अक्टूबर 2 तारीख है, आपको ये तारीख याद ही होगी। और ये तारीख आपको इसलिए याद होगी क्योंकि दृश्यम के जो हमारे जो एक्टर है यानी कि अजय देवगन साहब, वो 2 अक्टूबर को अपनी फैमिली के साथ गोवा गए थे। फिर उसके बाद उस गोवा में सत्संग में उन्होंने हिस्सा लिया था, सब आपको याद होगा। तो 2 अक्टूबर आज है, आज वही दिन है, इसलिए आज ये डायलॉग बोलना जरूरी था। जवान फिल्म की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी के लिए एस्टिमेट्स बताने वाला हूँ 26वें दिन की अक्टूबर 2 की। इससे पहले कि आगे बढ़ो, आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं यही कहूँगा, रुक जाता हूँ थोड़ा वीडियो के लिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको अगले वीडियोज इस चैनल से आपको मिलेंगे, अदरवाइज आप वो मिस कर देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑडियंस ऑक्यूपेंसी कलेक्शन एस्टिमेट्स के बारे में। 14% की ऑक्यूपेंसी जो आई है मॉर्निंग शो की आई है, आफ्टरनून शो की ऑक्यूपेंसी 22% तक आई, 22%, इवनिंग शो की ऑक्यूपेंसी 34% तक आई, 34%, और नाइट शो की ऑक्यूपेंसी इसकी ऑफिशियल नहीं है अभी तक क्योंकि रात बाकी बात बाकी भी चालू है, लेकिन कल के हिसाब से आज ऑक्यूपेंसी कम है नाइट में, और सीधी सी बात है कल वर्किंग डे होगा लोगों का तो ये भी एक रीज़न है, लेकिन उसके बावजूद कम से कम 29-30% ऑक्यूपेंसी के आसार है रात को, यानी कि इसकी एवरेज ऑक्यूपेंसी 24-25% के रेंज में है, यानी कि 5-7% तक का फॉल देखने को मिल रहा है इस फिल्म का, वो भी कंपेयर करें फ्राइडे के हिसाब से तो, सैटरडे के हिसाब से तो, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये फिल्म कल के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 8-10% तक का फॉल नज़र आ रहा है, परसों के हिसाब से देखा जाए तो 4-5% का। अब यहाँ पर ये फिल्म का मैं आपको बताता हूँ अभी तक का लेखा जोखा क्या नज़र आ रहा है। आज ये फिल्म किसी भी हिसाब से 7.5-8 करोड़ के रेंज में कमाई करने का दम रखती है। अब इसमें एक चीज़ होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर टिकट प्राइस आज कम नहीं हुआ होगा, नॉर्मली मंडे को कम हो जाता है, अगर वो कम नहीं हुआ होगा तो कलेक्शंस कल के हिसाब से बहुत ज़्यादा गिरेंगे नहीं, लेकिन टिकट प्राइस अगर कम हुआ होगा तो उसकी वजह से कलेक्शंस और भी कम नज़र आएंगे ऑक्यूपेंसी अच्छी होने के बावजूद, तो ये आपको समझना पड़ेगा। स्टिल आई एम होपिंग 7.50 करोड़ to 8 करोड़ आज कलेक्शंस आए इस ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, और ऐसा होता है तो फिल्म का टोटल हो जाएगा 555.29 करोड़ से लेकर 555.79 करोड़, 555.29 करोड़ से 555.79 करोड़। और अब काफ़ी बड़े बड़े क्रिटिक ये कहने लग गए हैं, मेरी बात को रिपीट करने लग गए हैं, और उन्हें भी अब विश्वास होने लगा है कि ये फिल्म 600 करोड़ हिंदी में नेट कलेक्शंस कर लेगी। वैसे आज इसका अक्रॉस इंडिया 600 करोड़ हो गया, सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत तालियां मुबारकबाद, और ये हिंदी वर्जन में भी 600 करोड़ करने का दम रखती है, ये बात मैंने ऑलरेडी आपसे कही है, 600 से 615 करोड़, देखते कहां तक जाती है। लेकिन अगर नहीं भी जाएगी, अगर देखिए मान लीजिए तो भी अगर ये 590 करोड़ तक पहुंचती है, 585 से 90 करोड़, तो भी ये जीत है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जिसके तोड़ पाना तो छोड़ो, उसके आसपास पहुंचना भी लोग सोचेंगे और बहुत वक्त लगेगा। तो क्या राय है आपकी जरूर बताइएगा वीडियो को लेकर, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।